क्या करना है देखिए, अब ऐसा है देखो, ऐसा है शिखर, ये कॉम्पिटिशन है हमारे और तुम्हारे बीच, और कॉम्पिटिशन ये है कि हमको जो है लच्छा पराठा बनाना है। ये बताएंगे शेफ, बताएंगे सर, बताओ dining experience. We started a breakfast and snack menu, that is the Purani Dilli ka Zaika. So what we have tried to do here is we try to bring the original Purani Dilli flavors to Mumbai, and we are serving breakfast dishes that people in old Delhi still have, and they have been savoring since ages. So you tell me, how was your experience and what dish did you like the most from what you tried? सबसे पहले जो मुझे बहुत पसंद आई डिश वो थी दही बड़े, ऑथेंटिक दिल्ली दही बड़े, बहुत स्वाद थे, कुलचे छोले बहुत स्वाद थे, और उसमें पूड़ी थी, एक थाल आपने भेज दी थी बड़ी, जिसमें मैं चकरा गया, मैं खाऊं क्या, कहाँ से शुरुआत करूं, सो पूड़ी वॉज देयर सब, लेकिन मेरे को मेरा फेवरेट जो था वो था दही भल्ले और कुलचे छोले। कुलचे छोले
अर्शी से पूछना पड़ेगा उसको क्या फेवरेट है। मुझे भी दही क्या दही भल्ला बोलते हैं हाँ, और छोले मुझे बहुत पसंद आया, और उसके साथ जो मिर्ची दी थी ना वो बेस्ट थी, बिल्कुल सूट कर रही थी। हाँ जो उसमें जो मिर्ची थी ना वो बेस्ट थी। मैं ज़्यादा फूडी नहीं हूँ, और कभी कभार बड़ा दिल चाहता है मुझे खाने का, लेकिन जब खाती हूँ तो दिल से खाती हूँ, तबीयत से खाती हूँ। इंसान खा जाए खाने का क्या है, तुम बच के रहना। मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, और मुझे नॉन वेज में सब बनाना आता है, सब कुछ बनाना आता है। हाँ बहुत सारे हैं, नली निहारी है, कौरमा है, बिरयानी है, पसंदे हैं, कलौटी कबाब है, शामी कबाब है। आज शाम को इनके घर दावत है। कौरमा है, इंशाल्लाह ज़रूर आपको दावत दूँगी। मेरा तो नहीं है, लेकिन मेरे घर पे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन रहता है। जी जी, मतलब ये चाहते हम लड़ाई करें है ना, इसको तो चाहिए कुछ ना कुछ। क्या चाहते हो तुम, क्या पूछना चाहते हो? नहीं, मस्ती क्या मतलब, एक तो बहुत दिनों बाद मिले थे। हाँ। खैर मेरे सीजन में नहीं थी ये, मैं इनके सीजन में नहीं था, लेकिन क्योंकि वो एक बिग बॉस का जो एक एक क्या कहते हैं कम्युनिटी हो जाती है, कम्युनिटी सीजन वन से लेकर के अभी जो भी सीजन आएगा उसमें जितने भी किरदार जाते आते हैं वो एक कम्युनिटी का हिस्सा हो जाते हैं, और उस कम्युनिटी के जो यू नो मेन हेड है वो सलमान खान सर। हम फैमिली है, फैमिली हो जाती है, हम फैमिली। सो भले ही सीजन में ना रहे लेकिन एक साथ, लेकिन जब भी मुलाकात होती है फन होता है। सो आज मुलाकात हो गई दिल्ली हाईवे में, और बड़ा अच्छा लगा अर्शी के साथ करके एक लंच डेट। लंच डेट वो पेंडिंग भी थी हमारी काफी दिनों से। हाँ। करिश्मा तन्ना जो है आजकल वो नागिन कर रही है, उनको बहुत ढेरों शुभकामनाएं भाई, अच्छा काम करना, अच्छी नागिन बनना तुम। यार मैंने करिश्मा के साथ काफ़ी काम किया, इनफैक्ट बिग बॉस के बाद में हम लोगों ने एक सीजन एक बिग मेम साहब किया था बिग मैजिक के ऊपर में, मैं होस्ट कर रहा था, वो जज बनी हुई थी, डांस शो था। जी जी, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग दौर रहा उनके साथ में। और यार बिग बॉस का मैं याद है, जब भी आती है तब भी ऐसा लगता है सना खान और करिश्मा तन्ना के जो परौठे हैं वो बहुत याद आते हैं। बेचारी बड़ा सुबह उठ के तैयार होके आते थे, अरे इतने प्यार से बनाती थी, आए हाय कभी नहीं शिकंद आई उनके माथे पर कि कितना खा लेते हो। तुम बनाती सुबह उठ के? हाँ, हितेन के लिए। आए हाय, प्यार नहीं है, ये कहा गया कि पराठे बनाती थी, तो मैंने कहा हितेन के लिए। प्यार तो मैं कभी उनसे हुआ ही नहीं मुझे, नहीं वो तो एक क्या था, थोड़ा सा दिखने में थोड़ा लगता था कि हाँ अच्छा, थोड़ा शो में तड़का देने के लिए था। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा कभी कभी। हाँ, इनको बड़ा पता है, तुमको सब पता है बिग बॉस के बारे में। देखिए सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने देखा कि इफ्तार पार्टी के अंदर लोग गलत तरीके से कपड़े पहनकर जाते हैं, तो वो थोड़ा सा गलत है कि इफ्तार में मैंने देखा कैटरीना को देखा, बहुत सारे लोगों को देखा, तो बड़ा अच्छा नारकली आउटफिट में है। तो एज ए मुस्लिम, अगर आप मुस्लिम होकर, ये सिर्फ हिना के लिए नहीं है, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, तो प्लीज़ हिना पे ना लेकर जाएँ बात, तो आपको सोचना चाहिए। तो वो ट्रोल तो करेंगे ना यार, शाही साहब के बारे में जो भी चीज़ थी वो मैंने ऑलरेडी जज्बात में क्लियर कर दी, और जो भी है हमारे बीच में, जो भी रहा, जो भी वाकया था, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। मैं ईद श्रीलंका में कर रही हूँ, और मेरा वहाँ पर शो है जश्न ईद का, तो मेरी श्रीलंका में सेलिब्रेट करूँगी मैं, और बस। रेस 3 तो सुपर डुपर हिट होनी है, क्यों प्रीतम? नहीं, सुपर डुपर हिट हो गई, और ऑलरेडी 130 करोड़ का तो उन्होंने सैटेलाइट राइट्स बेचा है बॉस। सी, अब क्या बोले, अब क्या क्या कहें हम। और ईद इस बार सलमान सर की रहने वाली है। हाँ यार, हर साल उन्हीं की होती है ना, हर साल उन्हीं की होती है। सो सर आप देख रहे होंगे, तो आपको ईद मुबारक, और जितने चाहने वाले हैं हिना खान के, सलमान सर के, थोड़े बहुत मेरे, उन सबको, अर्शी को, आपके कहा मैंने, तो हीना क्यों याद आ गई? हीना याद आ गई, तुम बैठते ही हीना याद आ रही है मुझे।
अर्शी खान के जितने तमाम फैंस हैं उन सबको भाई ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। आपको भी सब वो सब तो ठीक है। लाइट्स क्यों नहीं ऑन हो रही है तुम लोगों के कैमरे की? हाँ जी बोलिए। सबसे पहले आप बनारस से आ रही है, देखा बनारस से आते हैं कैसे लग रहा है नॉर्थ इंडियन फूड अब मुंबई में आ गया है, दिल्ली है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी तो काफ़ी साल हो गए हैं बॉम्बे में और बॉम्बे की खाना खाते खाते इतनी बोरिंग सी लाइफस्टाइल हो गई है कि लगता है कि कोई ऐसा रेस्टोरेंट आए बॉम्बे में जो नॉर्थ इंडियन स्पाइस लेकर आए। एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई एम हियर टुडे बिकॉज ऑब्वियसली आई रियली लुक फॉरवर्ड कि यहाँ पर कुछ ऐसा खाने को मिल जाए जो कि हमें अपनी नॉर्थ की याद दिला दे। अभी मेरी कुछ देर पहले उनसे बात हो रही थी, मुनाली से मेरी बात हो रही थी और कनिका भी मुझे यही बता रही थी कि यहाँ पर हमें ऑथेंटिक पानी पूरी मिलेगी, छोले कुलचे मिलेंगे और हलवा नगौरी मिलेगा। तो मैं तब से ही उनकी बातें सुन सुन कर मेरे मुंह में पानी आ रहा है और मुझे लग रहा है कि बस जल्दी से मैं खाऊं और जल्दी से मुझे वो ऑथेंटिक खाना मिल पाए जिसमें कि नॉर्थ इंडियन स्पाइसेस हों। पानीपुरी गोलगप्पे जो कि पता है आपको बॉम्बे में मिलता ही नहीं है, अच्छा मिलता ही नहीं। हम कहीं भी जाते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा उसको सोफिस्टिकेटेड कर दिया जाता है कि उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो चली ही जाती है। तो वी एंड अप हैविंग बिस्लेरी वाटर इनसाइड। सो ऑब्वियसली आई लुक फॉरवर्ड, आई वॉन्ट इट टू बी डिफरेंट एंड विथ लॉट ऑफ नॉर्थ इंडियन स्पाइसेस। सो लेट्स सी, आई विश कि उसके अंदर वो मूंग ना हो, वो छोले हों जिसके लिए हम नॉर्थ इंडियन गोलगप्पों को एंजॉय करते हैं। सो आई रियली लुक फॉरवर्ड टू ईट। ओके, अगर आप दिल्ली जाते हो या नॉर्थ इंडिया कभी जाते हो तो कौन सी रेस्टोरेंट में आप जाना पसंद करते हैं और वहाँ पे क्या फेवरेट चीज़ खाते हैं? देखिए मैं बनारस की हूँ तो बनारस की जलेबियाँ बहुत मशहूर हैं, पान बहुत मशहूर है, वहाँ की सब्जियाँ और कचौड़ी, गली की कचौड़ियाँ बहुत पसंद है। वहाँ जाते ही मेरी डाइटिंग की मतलब मैं सोचती भी नहीं हूँ डाइटिंग करने के लिए। तो ऑब्वियसली बनारस में ऐसा कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट तो नहीं है जहाँ पर आप बैठें और खाएं, लेकिन वहाँ के जो स्ट्रीट फूड आप जिसे कहते हैं वो आपको ऑथेंटिक खाना वहाँ पर मिलता है। और आज भी हम काशी में जितनी भी जगह हैं, जितने भी घाट हैं वहाँ पर जाते हैं और वहाँ बैठ कर आराम से खाते हैं, चिल करते हैं क्योंकि वो मेरा घर है। तो ऑब्वियसली घर पर आप ऐसे ही होते हो बिल्कुल रिलैक्स। सो या दैट्स होल थिंग अबाउट इट एंड आई एम सो हैप्पी कि अगर यहाँ दिल्ली हाईवे में हमें कुछ ऐसा मिल गया जो कि वहाँ का यू नो ऑथेंटिक खाना लेकर आएंगे तो आई थिंक मोर ऑफन आप मुझे यहाँ देखेंगे। जी जी, आपको शायद पता भी होगा कि नागिन के थर्ड सीजन के लिए मुझे कंसिडर भी किया गया था। आई वॉज इन, मेरा नाम दो तीन टॉप थ्री नेम्स में भी था और काफ़ी न्यूज़ में भी आया था। तो मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि एटलीस्ट लाखों की भीड़ में आई वॉज़ इन टॉप थ्री, मेरा नाम एकता मैम ने कंसिडर किया। ठीक है इस बार नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। मेरा मानना ये है कि लाइफ में कोई बहुत बड़ी चीज़ अगर नहीं होते होते नहीं हुई है इसका मतलब ये है कि आप उससे भी ज़्यादा कुछ बहुत अच्छा डिजर्व करते हैं। सो आई एम ग्लैड एंड आगे भी कुछ अच्छा ही होगा। नागिन थ्री, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई बीन ट्रैवलिंग, मैं कोलकाता में थी, आप मेरा स्टेटस देख सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं देख ही नहीं पाई टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैम इसके अलावा नागिन की नहीं, इसमें जो भी कास्ट है टोटली न्यू देखा जाए कुछ भी गोल्ड कास्ट एक भी नहीं देखा, उसका कुछ खास रीज़न? देखिए वो आपने बताया वैसे मुझे सजेस्ट किया गया था लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई। नहीं कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगी। देखिए जो डेस्टिनी में होता है वही होता है, आप कुछ उसको आप जो भी रीज़न दे दो लेकिन अगर जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अनीता करिश्मा एंड सुरभि दे आर वेरी टैलेंटेड गर्ल्स, दैट इज द रीज़न वाई दे हैव सर्वाइव्ड इतने सालों से इंडस्ट्री में, दे आर सर्वाइविंग एंड दे लुक स्टनिंग। सो आई एम श्योर वो अच्छा ही होगा। पर्ल भी पूरी जो है वो मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं और वो भी इस बार नागिन में आए हैं और अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं देख नहीं पाई, आई एम रियली सॉरी, वरना आपको मैं सच बताती अच्छा है या बुरा, लेकिन आई एम श्योर अच्छा ही होगा। आप लोग बताइए अच्छा कैसा लग रहा है आप लोगों को? थैंक यू सो मच। दिस इज़ अ ज़ारा न्यू कलेक्शन विच आई एम वेयरिंग टुडे। आई थिंक माई वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बैग जो है मैंने रिसेंटली बॉट क्योंकि मुझे लगा कि अपने बर्थडे में मैं हर साल अपने आप को कुछ ना कुछ गिफ्ट करती हूँ, तो इस बार मैंने ये बैग अपने आप को गिफ्ट किया। तो या एंड दिस इज फॉर एवर 21 यू नो
this thing, and yeah, I'm wearing okay, fashion woman now. I like both the types actually. To be very honest, मुझे ऐसा लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर इंडियन कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं ऑन स्क्रीन, बट पर्सनली इफ़ यू आस्क मी, हम इतना ज़्यादा वैसे कपड़े पहनते हैं ऑन स्क्रीन पे, सो दैट यू नो यू एक्चुअली बिकम बोर्ड. सो मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड वेयर समथिंग विच इज़ नॉट माई स्क्रीन इमेज. सो या दीज क्लोथ्स आर वेरी कम्फर्टेबल, यू कैन जस्ट बी योर सेल्फ एंड देन यू नो यू जस्ट You can just pose. Yes. I'm very very excited. मुझे इसका गाना बहुत पसंद है. एक बार baby, selfish, okay. What is the lyrics? I don't know. But I love this. I love this song. This is so important in your life to be selfish and to love yourself. तो इस गाने का जो मुद्दा है वो बहुत अच्छा है, और आजकल मेरी सुबह शाम में सुनती रहती हूँ. अभी फिलहाल मुझे आई डोंट नो वाई आई एम नॉट गेटिंग द लिरिक्स, बट आई एम वेरी बैड इन इट. बट या आई लव दिस सॉन्ग एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड, और मम्मी पापा के साथ देखने वाली हूँ. मैंने ये डिसाइड किया है कि रेस 3 मम्मी पापा के साथ देखूंगी, और 17th या 18th को देखूंगी, 15 और 16 को नहीं देखूंगी क्योंकि बहुत भीड़ होगी. थैंक यू सो मच गाइज. दिल्ली हाईवे में दूसरी बार आ रही हूँ, एंड आई हैव बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, एंड ऑनेस्टली द फूड हियर इज अमेजिंग. एकदम दिल्ली का स्वाद आता है. दिल्ली जाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो आई थिंक दिल्ली हाईवे इन मुंबई इज़ द बेस्ट थिंग फॉर ऑल द मुंबईकर्स. ओके, आप कितने फूडी हैं, कितने फूडी है आपको बताना चाहिए? सो सम पीपल से दे लिव टू ईट. Some people say they eat to live. I live to eat because I absolutely love food. So, and मुझे especially North Indian खाना, Punjabi खाना बहुत पसंद है. तो that's why I love this place, Delhi Highway. इसलिए मैं आई भी हूँ, because एकदम जैसे मैंने कहा, Delhi जाने की ज़रूरत नहीं है. मुंबई रहकर ही दिल्ली का स्वाद मिल जाता है. ओके, आज आप क्या क्या खाने सो दिल्ली हाईवे हैज़ बीन वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेज सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड नाउ दैट आई नो दैट दे हैव स्टार्टेड दिस न्यू पुरानी दिल्ली का जायका मेनू, विच इज़ सपोज टू बी फ्लेवर्स फ्रॉम ओल्ड दिल्ली. जो पुरानी दिल्ली का जो ब्रेकफास्ट मेनू है, जो ब्रेकफास्ट में वहाँ पे लोग खाते हैं, वो सिमिलर मेनू सेम आइटम्स चीज़ें यहाँ पे अभी सर्व होगी. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई द
food here. Thank you. Thank you. मैं तो फर्स्ट टाइम विजिट कर रही हूँ ये रेस्टोरेंट, बट हाँ जैसे कि नाम ही कहता है दिल्ली हाईवे, तो इट्स ऑफकोर्स नॉर्थ इंडियन एंड मुझे खाने में चटपटा एंड कुछ तीखा बहुत पसंद है. सो आई वुड रादर नॉट गो फॉर चाइनीज और कॉन्टिनेंटल बट अ प्रॉपर टिपिकल इंडियन फूड. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई द फूड एंड आई एम रियली एक्साइटेड. मैं भी यहाँ पहली बार ही आई हूँ और जैसे कि नाम ही है दिल्ली, दिल्ली और पंजाब दादा दिल्ली दिल्ली दिल्ली, तो हमारे दिल के बहुत करीब है. और खाने पीने में हम पंजाबी सबसे ज़्यादा माहिर रहते हैं और वो भी पंजाबी फूड. और मेरे ख्याल से पंजाबी फूड हर कोई खा सकता है, किसी अंग्रेज़ को भी खिलाओगे वो भी खा लेगा, कोई साउथ इंडियन है वो भी खा लेगा. तो एक नाम इतना अच्छा, इसका एम्बियंस मुझे एकदम ऑथेंटिक लगा, जैसे वो दिल्ली दरबार होते हैं वैसा लग रहा है और फील भी बहुत अच्छा और पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है. स्वागत हुआ है दही भल्ला और हमारे यहाँ तो सरने में होता है भल्ला साहब, तो बड़ा अच्छा लगा. अभी देखो आगे क्या होता है. हाँ मुझे छोले भटूरे खाने हैं एंड ऑफकोर्स जैसे कि इन्हें एम्बियंस कहा, मुझे बहुत ही विंटेज फीलिंग आया, बहुत ही देसी इंडियन टच है इस प्लेस का भी, तो एम्बियंस इटसेल्फ इज सो गुड, तो इट्स एडिंग एन एलिमेंट टू द प्लेस टोटली. मैं तो बिल्कुल किचन पर्सन नहीं हूँ, मैं घुसती भी नहीं हूँ, मुझे शौक है. मेरे कुछ खास फ्रेंड्स होते हैं, उनके लिए मैं जब मन करता ना तो खुद ही फोन करके बोलती हूँ आ जाओ, जब वो कहते हैं बताएगी कभी, नहीं यार अभी मेरे पास टाइम नहीं है. और मैं ऐसे दोस्त बनाती हूँ जो मुझे बुलाएं खाने पे जल्द. थैंक यू. इतना स्लो खा रहे हो आप, आगे लिखा
Yeah.
Yeah.